हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषभ। आज हम आपके लिए लेकर आए ह्युंडई एल्कजर का रिव्यू। ये ह्युंडई एल्कजर का सिग्नेचर ऑप्शनल वेरिएंट है जो कि इसका टॉप वेरिएंट आता है। ह्युंडई एल्कजर में आपको 6 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज ऑप्शनल, प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑप्शनल और सिग्नेचर ऑप्शनल। जो ये वाला वेरिएंट है सिग्नेचर ऑप्शनल वेरिएंट है जो कि इसका टॉप लाइन वेरिएंट आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, इंजन ऑप्शंस के बारे में, प्राइस के बारे में। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी की के बारे में। ऐसी कुछ हमें की मिलती है स्मार्ट की, पीछे ह्युंडई का लोगो। इसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं लॉक का, अनलॉक का। इस बटन को होल्ड करने पर जो इसका इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। इस बटन को होल्ड करने पर जो इसका बूट है वो अनलॉक हो जाता है। बात कर लेते हैं अब हम इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट में ऐसे कुछ लगती है, क्रेटा से काफ़ी सिमिलर सी लगती है। जो इसको सबसे यूनिक बनाता है क्रेटा से वो इसकी ग्रिल। पहले हम इसके हेडलैम्प्स की बात कर लेते हैं। इस तरफ इसके DRL आ जाते हैं, इस तरफ इसके ट्रायोबीम LED हेडलैम्प्स आ जाते हैं, नीचे फॉग लैम्प और 10 इंडिकेटर भी। फ्रंट पार्किंग सेंसर आ जाते हैं जो कि 4 आते हैं। 360 डिग्री का फ्रंट कैमरा ये रहा। ऐसी कुछ इसकी ग्रिल आती है डार्क क्रोम में, ये डार्क क्रोम में आती है। यहाँ पे ह्युंडई का लोगो नंबर प्लेट की जगह। एक बार मैं इन हेडलैम्प्स को जला के दिखा देता हूँ जलने के बाद कैसे लगते हैं। जलने के बाद ऐसे कुछ लगते हैं DRL, ट्रायोबीम LED हेडलैम्प्स, 10 इंडिकेटर, नीचे फॉग लैम्प। चलते अब हम इसकी साइड प्रोफाइल पर। साइड में ऐसे कुछ लगती है। इस तरफ इसकी ORVMs आ जाते हैं विद 10 इंडिकेटर। आप इनको फोल्ड, अनफोल्ड और एडजस्ट भी आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। साइड कैमरा इसका 360 डिग्री का साइड कैमरा इस तरफ आ जाता है। डोर हैंडल्स इसके डार्क क्रोम में आते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दो जगह देखने को मिलते हैं, ड्राइवर साइड डोर पर और को पैसेंजर साइड डोर पर। इसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनकी प्रोफाइल है 215/55R18। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं डुअल टोन में। चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप पेडल मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रिल्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश में। चलते अब हम इसकी रियर प्रोफाइल पर। रियर में ऐसे कुछ लगती है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है। यहाँ पे स्टॉप लाइट, विंडशील्ड पर आपको डिफॉगर और वाइपर दोनों मिल जाते हैं। ह्युंडई का लोगो, एल्कजर की बैजिंग है डार्क क्रोम में। टेललाइट्स की बात करी जाए यहाँ पे आपको LED स्ट्रिप मिलती है, ये 10 इंडिकेटर, रिवर्स करने की लाइट और ब्रेक लाइट। 50 लीटर की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स। सिग्नेचर की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो इसका रियर कैमरा है वो यहाँ पर आ जाता है, रियर कैमरा नंबर प्लेट की जगह। चलते अब हम इसके इंटीरियर में। डुअल टोन में आपको पूरा इंटीरियर मिलता है ब्लैक एंड ब्राउन कलर में। डोर पे आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो ड्राइवर विंडो वो आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिल जाता है। चाइल्ड लॉक, लॉक एंड अनलॉक करने के लिए ये, और इसको फोल्ड करने के लिए और ये एडजस्ट करने के लिए। सिल्वर डोर हैंडल्स, बॉस के स्पीकर्स, वाटर वाटर होल्डर और यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए ट्विटर्स। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है लेदर में। 8-way एडजस्टेबल आपको सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। इनको आप 8-way एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, हेडलाइट लेबलर, AC वेंट। एल्कजर का इंटीरियर देखने में काफी प्रीमियम लगता है। स्टीयरिंग व्हील पे बात करी जाए यहाँ पे आपको सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे वॉइस कमांड मोड और ये वॉल्यूम के और चैनल के, ये कॉल के। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक कार है। यहाँ पे माइनस और ये प्लस। यहाँ पे सारे MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, यहाँ इस तरह वाइपर्स की कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स की कंट्रोल। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करी जाए यहाँ से आप इसका लॉक हटा सकते हैं। ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। फुली डिजिटल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर पता चल जाता है, इधर RPM मीटर, ऐसे आप यहाँ पे RPM मीटर आ रहा है, ये MID। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन से पार्किंग पे न्यूट्रल ड्राइव। यहाँ से सारे कंट्रोल के, यहाँ पे जैसे फ्यूल का आ जाता है, यहाँ पे किलोमीटर्स, यहाँ पे रेंज शो कर रहा है, यहाँ पे जैसे टेम्परेचर हो गया आउटसाइड टेम्परेचर किलोमीटर्स। जो इसकी MID है ये वाली, अगर आपको ये चेंज करनी है तो आप इन 3 बटन से कर सकते हैं। इसमें करता हूँ,
यहाँ पे आपको जैसे डायरेक्शन आ जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, जैसे अभी ये बता रहा है कि इन दो टायर में अभी हवा कम है, लो प्रेशर है, और जैसे आप यहाँ पे आते हैं किलोमीटर पर आवर और सारा रेंज शो कर रहा है कितने रेंज चल सकती है, यहाँ पे आपको स्पीड शो करेगा बीच में भी, और यहाँ पे वही ड्राइव इन्फो। जब यहाँ पर आते हैं यहाँ पे भी डायरेक्शन आ जाती हैं, इस तरफ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी, ब्लूटूथ रेडियो, और यहाँ पे सारे इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं फ़ोन के, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के दोनों, ब्लू लिंक के, और यहाँ पे जितने भी सारे इसमें एयर प्योरीफायर के जितने भी कंट्रोल्स आ जाते हैं वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ऑफ है, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं, अभी ऑन हो चुका है, और जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पे भी शो करेगी, और इसी चीज़ को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि ये ऑटो पे रहे, टर्बो, नॉर्मल पे, यहाँ से इसका वो आता रहेगा डस्ट या परफ्यूम का भी है इसमें, फिल्टर, रियर स्क्रीन लॉक, आप यहीं से, आप अगर आप चाहते हैं कि पीछे से जो इसकी टच स्क्रीन है इसको कोई ना वो छेड़े तो आप यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, यहीं से ऑन कर सकते हैं, लॉक और मोड के भी सारे बटन्स यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे रियर में जैसे आप जाते हैं फेवरेट्स, मीडिया, मैप का, ये वॉइस, और यहाँ पे सेटिंग्स आ जाते हैं। जैसे आप सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग, नेविगेशन सेटिंग्स, डिस्प्ले, जर्नल, एडवांस, और जैसे आप व्हीकल में आते हैं यहाँ पे आपको सारे उसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ड्राइवर असिस्टेंस के, लाइट, डोर, क्लस्टर, कन्वीनियंस, क्लाइमेट और रीसेट। रीसेट का मतलब ये है जैसे कंपनी से गाड़ी आई थी ये उसी पे रीसेट हो जाएगी। इसमें आपको जैसे कि एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, जैसे आप लाइट पे जाते हैं, एम्बिएंट लाइट, कलर्स, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं, जैसे आइस ब्लू हो गया, ओशन ब्लू, ऑर्चिड ग्रीन, सनराइज़ रेड, काफ़ी सारे मिल जाते हैं। अगर आपको इनमें से तब भी कोई पसंद नहीं आ रहा, जैसे मैंने अभी चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज हो गया, मैं जैसे अब यहाँ पे करता हूँ ब्लू ग्रीन से पे कस्टम कलर्स, और यहाँ पे चेंज हो गया सेट, अगर आपको इनमें से तब भी कोई पसंद नहीं आ रहा इनमें से कोई सा भी, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सेट कस्टम कलर्स, और यहाँ पे आपको वैरायटीज काफ़ी सारी मिल जाती है। यहाँ पे जैसे वाइट वाइट हो जाती है, अगर आपको दिख रही हो वाइट एम्बिएंट लाइट, मैं जैसे भी ब्लू कर देता हूँ इसको, ब्लू चेंज हो गया, रेड, पर्पल, काफ़ी सारी मिल जाती है आपको एम्बिएंट लाइट। और यहीं से आप जैसे बैक जाते हैं, एक और यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको 10 चाहिए, 0, और कहीं कितना भी नंबर कर सकते हैं आप। इस तरफ डोर के सेटिंग्स आ जाते हैं, क्लस्टर, कन्वीनियंस, क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट पे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे आपको सारे इसी के आ जाते हैं कंट्रोल्स। इस तरफ जनरल में जाकर आप जैसे लैंग्वेज, स्क्रीन सेवर, सिस्टम इन्फो और डेट एंड टाइम भी चेंज कर सकते हैं, जीपीएस टाइम भी आ जाता है, सारी सेटिंग यहीं से कर सकते हैं। साउंड की सेटिंग्स होगी यहाँ से कि आपको कौन से स्पीकर में कितनी बैलेंस चाहिए, सारे यहीं पर ही, वॉल्यूम, रेडियो, यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग्स होगी, रीसेट, वॉइस के और ब्लू लिंक के भी, एडवांस की भी सेटिंग्स आ जाती हैं, जैसे यहीं से बैक हो, होम का बटन, यहाँ पे आपको कंपास, यहाँ से आपको नेविगेशन पता चलती रहती है, ये इसकी होम स्क्रीन, यहाँ पे टाइम, डेट, और जितने भी सारे कंट्रोल्स आते हैं ये इसी के रिगार्डिंग है, जैसे सेटअप, फेवरेट का, ये ट्रैक की, पावर का बटन, यहाँ से वॉल्यूम का भी है, वॉल्यूम का बटन, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन और मैप का। इसके नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, ऑटोमेटिक एसी, नीचे आप इसकी फ़ैन की स्पीड चेंज कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड, यहाँ से इसका टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे अगर मैं फ़ैन की स्पीड बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे होएगा, मैं कम कर देता हूँ और इसको भी कम करता हूँ तो ये लो पे कर देता हूँ उसको, तो जितने भी आप एसी के जितने भी सेटिंग्स करोगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको डिफॉगर का बटन आता है, ये डिफॉगर के बटन, ये सर्कुलेशन का, ये मोड का, जैसे आप मोड चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको देखेगा ये चेंज हो रहा है, और ये लेग्स का हो गया, डिफॉगर का हो गया, ये फ्रंट इन वाले एसी वेंट से हवा आएगी, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं आप।
इनके ऊपर आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, सब वूफर मिल जाता है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, ये वाला वायरलेस 12 वोल्ट का पोर्ट, USB का फास्ट चार्जिंग का पोर्ट, ऑटोमेटिक गियर नॉब, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और स्पोर्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है इसमें आपको विद ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में। और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स आ जाते हैं और ट्रैक्शन का भी बटन मिल जाता है आपको, जैसे ट्रैक्शन के भी मोड्स मिल जाते हैं, जैसे आप जो भी चेंजेस इसमें करोगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे अब मैं चेंज कर देता हूँ, ये कंफर्ट मोड पर है और ये इको और ये स्पोर्ट, स्पोर्ट मोड पे। और जैसे आप जो एक बार इसको बटन को दबाते हो तो यहाँ पे आ जाता है स्नो, ये मड, सैंड और ये मड, यहाँ पे यार मड सैंड और ये स्नो। और एक बार आओ, फिर से आप एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंफर्ट, इको, स्पोर्ट, ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, ये फ्रंट के 2 मतलब ड्राइवर साइड डोर और कोपैसेंजर साइड डोर के वेंटिलेटेड सीट्स, जैसे आप इनको ऑफ, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। 3 लेवल आते हैं, यहाँ से आप 360 डिग्री कैमरा देख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट विद सम स्टोरेज, कितने कुछ इसकी स्टोरेज है। इसी पे आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है, यहीं से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको लॉक, और यहीं पे आपको शो करेगा कितने पावर मोड। इस तरफ इसका ग्लव बॉक्स आ जाता है, इतने कुछ इसकी स्टोरेज है विद कूल फंक्शन के साथ। ऊपर की तरफ आपको सन वाइजर मिल जाता है विद टिकट होल्डर, इस तरफ इसका सनग्लास होल्डर, कैबिन लाइट्स वाइट LED में, इस तरफ इसके सनरूफ की कंट्रोल आ जाता है जो कि पैनोरामिक सनरूफ आती है काफ़ी बड़ी, कैबिन लाइट्स वाइट LED में, सन वाइजर विद मिरर। इस तरफ इसका ऑटोमेटिक डिमिंग का ईयर भी आ जाता है जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है डे नाइट के अकॉर्डिंगली। इसी पे आपको SOS का बटन और ब्लू लिंक का भी बटन मिल जाता है, सनरूफ को कर देते हैं बंद। अब मैं ड्राइवर वाली सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं पीछे कितना स्पेस है। रियर डोर पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, बॉस के स्पीकर, सॉफ्ट टच आपको रियर में भी देखने को मिलती है, लेदराइज्ड वाटर बॉटल होल्डर को सामान रखने के लिए स्पीकर आ जाते हैं, सिल्वर डोर हैंडल, रियर में आपको सन ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं, सन ब्लाइंड्स। अल्काज़र आपको 6-सीटर वेरियंट में मिलती है कैप्टन सीट के साथ। रियर वाली यहाँ पे आपको सीट पे आपको नेट मिल जाता है कुछ स्टोरेज के लिए, ये ट्रे मिल जाती है आपको, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 3.5 kg। यहाँ पे आप अपना पेन या टैबलेट होल्डर सब कुछ रख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, रियर 2 AC वेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टोरेज, फास्ट चार्जिंग का पोर्ट, 2 कप होल्डर, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी पैड मिल जाता है आपको, आर्मरेस्ट विद सम स्टोरेज, सन ब्लाइंड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। रियर वाली सीट पे आपको स्पेशल कुशनिंग भी मिल जाती है जो कि 2 आती हैं, एक इस वाली सीट पे और एक इस वाली सीट पे। चाहे तो आप मिडल वाली सीट को, आप इन वाली सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं और यहाँ से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कैबिन लाइट्स वाइट LED में। मेरी हाइट 5.8 है, आप देख सकते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है मेरे लिए। मैं इन वाली सीट को अभी भी पीछे कर सकता हूँ और भी ज़्यादा, और रिक्लाइन भी कर सकता हूँ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली। अब मेरी हाइट 5.8 है, आप देख सकते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मैं इस मिडल वाली सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं थर्ड रो में कितना स्पेस है। आप इस वाली सीट को यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं और आप थर्ड रो में जा सकते हैं यहाँ से। थर्ड रो में हम आ चुके हैं, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, टाइप सी का पोर्ट, यहाँ से आप AC वेंट की जो स्पीड है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, AC वेंट मिल जाता है आपको यहाँ पर और इस तरफ भी, और टाइप सी का पोर्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। टोटल आपको 6 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फ्रंट के 2, ये मिडल के 2 और ये रियर के भी आपको एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और ये रियर थर्ड रो वाली सीट को आप 50-50 रेशो में स्प्लिट कर सकते हैं इन वाली सीट को। कैबिन लाइट्स आपको ऊपर मिल जाती है वाइट LED में। मेरी हाइट 5.8 है
और मेरे लेग्स अभी भी मतलब इस वाली मिडल वाली सीट से टच हो रहे हैं, पर डिसेंट है काफ़ी इसकी, इस लेग रूम भी थोड़ा कम है और अंडर थाई स्पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम है मेरे लिए। अब हम चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है। इसमें आपको 180 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है, वो कि जब जब ये थर्ड रो आपकी एंगेज हो, अगर आप इस थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं तो इसमें आपका बूट स्पेस बनता है 260 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है। और यहाँ पे आपको बूट लाइट मिल जाती है, यहाँ पे कुछ है आप हैंग कर सकते हैं, बॉस का सबवूफर, और यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाती है, कुछ स्टोरेज, यहाँ पे कुछ स्टोरेज या टूल किट। आप इन थर्ड रो के डिक्लाइनिंग एंगल भी चेंज कर सकते हैं इस वाली स्ट्रिप से। और आप जाते हैं, अगर मैं इसको फोल्ड करना चाहता हूँ तो आप इसी पकड़ के यहीं से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं दोनों सीट्स को, और जो इसका स्पेयर टायर है उसके नीचे, जिसकी प्रोफाइल है 215/60/R17 इंच के स्टील रिम मिलता है आपको ये, और टूल किट आपको यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। Hyundai Elantra के सिग्नेचर ऑप्शनल वेरिएंट में आपको टू इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। जो अभी हमारे सामने है 2.0 लीटर वाला पेट्रोल इंजन ऑप्शन है। इसके इंजन स्पेक्स की बात करी जाए, इसमें आपको 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि मैक्सिमम पावर निकालता है 117 किलोवाट की, और मैक्सिमम टॉर्क 191 न्यूटन मीटर। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। Hyundai Elantra का सिग्नेचर ऑप्शनल वेरिएंट है, इसका एक्सशोरूम प्राइस है 18,90,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस है 22,00,000 रुपए। ये था Hyundai Elantra का रिव्यू। आपको गाड़ी कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।